दोस्तों मैं विकास कोहली इस बार YouTube पे अपनी लास्ट पोस्ट मैच एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ, जो है इस बार वीडियो क्वार्टर फाइनल है। लास्ट क्वार्टर फाइनल था और लास्ट क्वार्टर फाइनल खेला गया ATP रैंकिंग 2 के खिलाड़ी वर्सेस ATP रैंकिंग 6 के खिलाड़ी, और 2 में थे कार्लोस अल्कराज। दोनों बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, जो दूसरे प्लेयर है वो है ज्वेरव, वो भी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, और दोनों चाह रहे हैं उनके बढ़िया प्रदर्शन कंटिन्यू रहे। बट एक ही प्लेयर जा सकता था, गो थ्रू कर सकता था, और वो है साशा ज्वेरव। 2023 के US ओपन क्वार्टर फाइनल में साशा ज्वेरव को मात दी थी कार्लोस अल्कराज ने, और सेमीफाइनल में राह बनाई थी जगह, और तब मैच खेला था सेमीफाइनल में कार्लोस अल्कराज ने मेडवेडेव के खिलाफ, और इस बार अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने कार्लोस अल्कराज को हराया है और सेमीफाइनल में जगह बनाई है। तो इस बार मैच उनका सेमीफाइनल में पड़ा हुआ, वो भी डैनियल मेडवेडेव। काफ़ी सारी समानताएं हैं, बट जो लॉस है वो विक्ट्री में होगी उनकी, और वो पहुंचे हैं सेमीफाइनल में। फिलहाल दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो चाहेंगे साशा ज्वेरेव ऐसा प्रदर्शन उनका कंटिन्यू रहे। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कार्लोस अल्कराज से, बट अल्कराज खरी नहीं उतर पाए। लग रहा था कि भाई उम्मीद उनसे बढ़ने लग पड़ी है, बट वैसा नहीं हुआ, क्योंकि भाई साहब ज्वेरेव क्या प्रदर्शन करे थे, और बहुत अच्छा मैच खेला ज्वेरेव ने कार्लोस अल्कराज के खिलाफ। अल्कराज तो देखा जाए अभी हाल ही में निफ्टी ATP फिनाले में भी हराया था, और अभी भी हराया है। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 3-3 पर था, फिर निफ्टी ATP फाइनल में जो राउंड रॉबिन के मैच हुए थे उसमें जीते थे, और उसके बाद एक मैच और जीते थे, और वो आज का मैच जिससे 5-3 से हेड टू हेड रिकॉर्ड लीड कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों एनालिसिस में बढ़ने से पहले बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि सारी अपडेट्स पोस्ट मैच प्री मैच सारे ब्लॉग्स के रिगार्डिंग मिल सके। फिलहाल दोस्तों पहले सेट की बात की जाए, तो पहले सेट में भाई देखा जाए कार्लोस अल्कराज लग रहा था खेल ही नहीं रहे उनके खिलाफ, ज्वेरेव खेल रहे कोई और कोई प्लेयर के खिलाफ, क्योंकि कार्लोस अल्कराज जिस तरह उन्होंने गेम खेला उनके खिलाफ, भाई साहब जबरदस्त, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड, सर्विस गेम ब्रेक, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, 3 लाभ कर दिया आते ही आते। उसके बाद कार्लोस अल्कराज ने सर्विस गेम पे तो होल्ड रख ही नहीं पा रहे थे, 2 बार सर्विस गेम ब्रेक की, और 6-8 से सेट जीता पहला। लग रहा था क्या प्रदर्शन किया, क्या अल्कराज इसको चेंज कर पाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। शुरू में थोड़ा लगा, बट उसके बाद नहीं हुआ सेकंड सेट में, 1-1, 2-2, 3-3 इधर तक बराबर रहा। उसके बाद ज्वेरेव ने सर्विस गेम ब्रेक की 4-3, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा 5-3, 8 बार और सर्विस गेम ब्रेक की, 6-3 से ये वाला सेट जीता पहला सेट, 6 से सेकंड सेट 6-3 से, दोनों बार 2-2 सर्विस गेम ब्रेक, 4 बार सर्विस गेम ब्रेक। लग रहा था कि भाई क्या मैच का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब थर्ड सेट की शुरुआत की, तो थर्ड सेट की शुरुआत अच्छी की, उसके बाद इसमें भी सर्विस गेम ब्रेक कर दी कार्लोस अल्कराज की। अब लग रहा था कि भाई आराम से जीत जाएंगे, 5-3 पे सर्विंग फॉर द सेट एंड मैच कर रहे थे। उसके बाद कार्लोस अल्कराज से सर्विस गेम ब्रेक की, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, ऑल बराबर कर दिया, 5-5 हुआ, फिर 6-6 हुआ, फिर आया टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर में एक मिनी ब्रेक हासिल की, पहले पॉइंट जो ज्वेरेव को मिला वो कार्लोस अल्कराज की गलती से मिला, अनफोर्स एरर से मिला, तो 2-0 से आगे चल रहे थे ज्वेरेव। लग रहा था कि भाई टाई ब्रेकर में फिनिश करेंगे इजिली, बट ऐसा नहीं हुआ, ज्वेरेव 2 पे ही रहे और लगातार 7 पॉइंट जीते कार्लोस अल्कराज ने, जिससे वजह से वो ये सेट जीते 7-6 से। टाई ब्रेकर का स्कोर रहा 7-2, अब उनके चाहिए था 1 सेट और, ताकि वो ज्वेरेव को फोर्स कर पाए 5वें सेट के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि साशा ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। शुरू में ही साशा की सर्विस गेम ब्रेक हुई, कार्लोस अल्कराज की भी सर्विस गेम ब्रेक हुई थी, पहले अल्कराज की सर्विस गेम ब्रेक हुई थी, फिर ज्वेरेव की सर्विस गेम ब्रेक हुई थी, 1-1 हुआ, 2-2 हुआ, 3-3 हुआ, 4-4 हुआ। उसके बाद साशा ने सर्विस गेम ब्रेक की कार्लोस अल्कराज की, और अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, 6-4 से ये सेट जीता, और ये मैच जीता 3-1 से, पहला सेट जीता 6-8 से, सेकंड सेट 6-3 से, थर्ड सेट हारे कार्लोस अल्कराज, जीते 7-6 से, 7-2 टाई ब्रेकर स्कोर, और फोर्थ सेट जीते ज्वेरेव 6-4 से। नेक्स्ट राउंड में प्रवेश कर चुके हैं, नेक्स्ट राउंड में मैच होगा उनका डैनियल मेडवेडेव के खिलाफ। दोस्तों अगर मैं ये स्टैट्स देखूँ जो मैच के, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में, हेड टू हेड रिकॉर्ड में 5-3 हो गया, 5 मैच ज्वेरेव जीते हैं, 3 मैच कार्लोस अल्कराज जीते हैं। देखा जाए ज्वेरेव और इनके बीच में थर्ड ये ग्रैंड स्लैम मैच था, पहला ग्रैंड स्लैम मैच रोलैंड गैरोस 2022 में हुआ था, जिसमें जीते थे साशा ज्वेरेव। उसके बाद 2023 में ग्रैंड स्लैम में मिले US ओपन में, जिसमें जीते हैं कार्लोस अल्कराज, और 8 बार और मिले क्वार्टर फाइनल में, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 आज का मैच जिसको कवर कर रहा हूँ उसमें जीते हैं साशा ज्वेरेव। साशा ज्वेरेव का हेड टू रिकॉर्ड तो अच्छा रहा, ये वाले स्टैट्स भी अच्छे रहे हैं, एसीज बढ़िया तरीके से प्रदर्शन किया, एसीज भी लिए, ज़्यादा एसीज नहीं, अंडर 10 रहे दोनों के एसीज, डबल फॉल्ट कार्लोस अल्कराज से 2 रहा,
एक ही डबल फॉर रस ज्वेरेव का ब्रेक पॉइंट्स आते हैं मेन मेन ब्रेक पॉइंट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर्विस गेम ज्वेरेव की बहुत बार कम ब्रेक हुई है। पहले सेट में कोई सर्विस गेम ब्रेक नहीं हुई, सेकंड सेट में कोई सर्विस गेम ब्रेक नहीं हुई, थर्ड सेट में उनकी सर्विस गेम ब्रेक हुई एक बार, फोर्थ सेट में एक बार, टोटल दो बार सर्विस गेम ब्रेक हुई। दूसरी ओर कार्ली तो जल्दी की पहले सेट में दो बार, सेकंड सेट में दो बार, थर्ड सेट में उनकी सर्विस गेम ब्रेक हुई एक बार और फोर्थ सेट में उनकी दो बार सर्विस गेम ब्रेक हुई। दो चार छः टोटल सात बार सर्विस गेम ब्रेक और तीन बार सेव किए ब्रेक पॉइंट्स पर सात बार सेव नहीं कर पाए। दूसरी ओर देखा जाए दो ही बार उनकी सर्विस गेम ब्रेक हुई ज्वेरेव की, तो देखा जाए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन की और वो चाहेंगे ऐसा प्रदर्शन उनका कंटिन्यू रहे। फिलहाल दोस्तों ज्वेरेव और मेडवेडेव का मैच है वो मैच बढ़िया देखने को मिल सकता है, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और कार्लोस अल्कराज़ क्या बोलेंगे कि कैसा सीजन रहेगा 2024 में, क्योंकि बहुत देर बाद लग रहा था कि भाई अल्कराज़ को फेवरेट माना जा रहा था आफ्टर नोवाक जोकोविच, बट अल्कराज़ तो बाहर हो गए और वो चाहेंगे कि भाई जनता की एक्सपेक्टेशन उनसे बनी और वो बनाए रखे और 2024 था जो बाकी सीजन सब खेलने वाले हैं उसमें ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दे दें। फिलहाल दोस्तों अभी चलिए चलता हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना दोस्तों, कमेंट करना और ढेर सारा प्यार हमेशा की तरह देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।